हेलो एंड वेलकम। तुसी देख रहे हो द स्टडी वीज़ा शो। मैं हाँ तुहाडे नाल सिमी ते मेरे नाल ने लैंडमार्क इमीग्रेशन तो स्टडी वीज़ा एक्सपर्ट करण जी। करण जी वेलकम। सत श्री अकाल जी। तो करण जी मैं चाहनी हाँ अज असी गल करिए सपटैंबर इनटेक बारे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हूँ सपटैंबर इनटेक बारे अपलाई करना स्टार्ट करेंगे। तो कि कॉलेज ने जोड़े कि तुम सुजैसट करते हो जोड़े कि स्टूडेंट्स एक्सैप्ट कर रहे हैं फॉर सपटैंबर इनटेक? जी, सितंबर इनटेक की बात हम बार बार करते हैं। सितंबर इनटेक को हम बार बार देखते हैं क्योंकि बहुत बड़ा इनटेक है। हर कॉलेज खुला होता है सितंबर इनटेक के लिए। तकरीबन कनाडा के सभी कॉलेजेस में सभी तरह के कोर्सेज अवेलेबल होते हैं और हर बच्चे के लिए कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, इसीलिए हमेशा सितंबर इनटेक की बात बहुत बार की जाती है। तो अगर मैं सितंबर इनटेक की बात करूँ, मैं फिंगर टिप्स पर अपने कॉलेजेस को गिनना शुरू करूँ तो अल्गोमा यूनिवर्सिटी, जो कि लैंडमार्क इमिग्रेशन, जिसका नॉर्थ इंडिया में अकेला ऐसा रिप्रेजेंटेटिव है जो अल्गोमा यूनिवर्सिटी प्रमोट कर रहा है। नॉर्दर्न कॉलेज, नॉर्थवेस्ट कॉलेज, सैनिका कॉलेज, धरम कॉलेज, नॉर्थ आइलैंड कॉलेज अभी सितंबर इनटेक के लिए अवेलेबल है। न्यू ब्रुंसविक कम्युनिटी कॉलेज, जिसमें की फीस $9,500 आती है, वो अभी अवेलेबल है सितंबर इनटेक के लिए। मैं अगर और बात करूं और डेप्थ में जाए तो सू कॉलेज, जो हमारे सू कॉलेज, नायगरा कॉलेज, लॉयलिस्ट कॉलेज, ठीक है, कैमसन कॉलेज, अभी सितंबर इनटेक में इनमें सीट्स अवेलेबल है। यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट, लॉरेंशियन यूनिवर्सिटी, ब्रॉक यूनिवर्सिटी, ये सभी यूनिवर्सिटीज भी सितंबर इनटेक के लिए ओपन है। ट्रेंट यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स बहुत अच्छे हैं, उसमें भी आप सितंबर इनटेक में अप्लाई कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात, जितने कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के मैंने आपके सामने नाम लिए वो सभी के सभी सरकारी हैं। मैं कोई भी प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपको नहीं सजेस्ट कर रहा जहां पर आप वीजा ना ले सके, जहां पर आपको रिफ्यूजल का सामना करना पड़े या आपको वर्क परमिट ना मिले। सो जब भी आप लैंडमार्क इमिग्रेशन के ऑफिस में आएंगे, आपको हमेशा गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का ही ऑप्शन दिया जाएगा। जी बिल्कुल। और गवर्नमेंट कॉलेज में ये थोड़ा पूछना चाहवागी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे ने पीटीए की होंगी या फिर आयल्स जिन्हें एक मॉड्यूल 5.5 बैंड होंगे ने, तो उन्होंने वीजाज के की ट्रेंड है? देखिए, पीटी आयल्स में एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड कोई मायने नहीं रखता कनाडा के लिए। इसका एक टेक्निकल रीजन है जो लैंडमार्क इमिग्रेशन की समझ में आता है या जो हमने आज तक समझा है, वो ये है कि एक कॉलेज 6 ईच पर भी ऑफर लेटर दे रहा है, वही कॉलेज 6 नॉट लेस देन 5.5 पे भी ऑफर लेटर दे रहा है, और सेम कॉलेज पीटी बेस पर भी ऑफर लेटर भी दे रहा है। दैट मीन कि उस कॉलेज ने सब कुछ इवेल्युएट किया, उसने 6 ईच पर भी, उसके पास 6 ईच पर भी वीजा है, उसके पास एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड पर भी वीजा है, और उसी कॉलेज के पास पीटी बेस पर भी वीजा है। तो चाहे आपके पास पीटी हो, चाहे आपके पास नॉन एसडीएस केस हो, जो कि ओवरऑल 6 बैंड, एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड वाला केस है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, 6 ईच वाला भी अप्लाई कर सकते हैं। सो ये बात बच्चों के मन में डालनी बहुत जरूरी है। बच्चे घबरा जाते हैं, जी हमारे एक मॉड्यूल में 5.5 है, जी पीटी की है तो हमें सबने मना कर दिया है। मेरे पास बहुत बच्चा ऐसा, मैं बच्चों के साथ वीडियोस बनाता हूं वीजा देते हुए, बहुत बच्चा मुझे बताता है जी हम तो आपसे पहले 4 कंसल्टेंट पे और जाके आए थे, बट उन्होंने मना कर दिया था कि ओवरऑल 51 पीटी पे वीजा मत लगाना, और हमारे पास ओवरऑल 51 पीटी पे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए वीजा है। हमारे पास ओवरऑल 6 बैंड, एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड पर सू कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए वीजा है। तो हम फाइलिंग के ऊपर ध्यान देते हैं, आपकी फाइलिंग बहुत जरूरी है, एसओपी बच्चे की बनानी बहुत जरूरी है, कोर्स रिलेट बच्चे का करना बहुत जरूरी है, आपके वीजा फॉर्म्स में क्या आपकी इंफॉर्मेशन ठीक भरी गई है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वजह से लैंडमार्क इमिग्रेशन का सक्सेस रेट जो है वो ज्यादा है लो प्रोफाइल्स के ऊपर भी, और जब आप अप्लाई करने आएंगे तो काइंडली आप भी रीकन्फर्म जरूर कर सकते हैं कॉलेज की वेबसाइट खोल के कि क्या जो लैंडमार्क इमिग्रेशन की तरफ से आपको सजेशन मिल रहा है एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड पे, क्या वो कॉलेज एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। जी बिल्कुल। तो जिदा तुसी दस्या कि 5.5 अगर एक मॉड्यूल च है तां वी स्टूडेंट्स नूं वीजा मिल रहे ने, ए अचीवमेंट लैंडमार्क इमीग्रेशन दी। लेकिन मैं स्टूडेंट्स नूं इत्थे कहना चाहवांगी कि तुसी मेहनत करना ना छड्डो, बिकॉज आइलट्स दा स्कोर तुहाडा जिन्ना ज़्यादा अच्छा होएगा तुहाडी फाइल उन्नी ही ज़्यादा ईजीली लग जाएगी। तो हुण करण जी आपां गैप दी अगर गल करिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स है 5 साल का गैप है, 10 साल का गैप है, विच उन्होंने जॉब कीती है, कभी जॉब छड्डी भी है, तो वह उस गैप नूं किस तरह एंटरटेन किया जाता है? देखिए, कनाडा में गैप तो कभी हडल बना ही नहीं। कनाडा में हमेशा गैप जो है वो पॉजिटिव वे में गया है। कनाडा में हमेशा वीज़ा मिला है गैप के बाद।
चाहे आपका 5 साल का गैप है, चाहे आपका 10 साल का गैप है, चाहे आपका जितना मर्जी गैप है, कभी भी हर्डल नहीं क्रिएट हुआ गैप के साथ, ठीक है। आपके पास 10 साल का गैप है, मैं आपको सरकारी कॉलेज दे सकता हूँ, मैं आपको सरकारी यूनिवर्सिटी दे सकता हूँ, सिर्फ आपके पास आपका गैप जस्टिफिकेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, आपने उसमें जॉब की है वो प्रॉपर होनी चाहिए, आपके पास जॉब के लेटर्स होने चाहिए ताकि हम एम्बेसी को कन्विंस कर सकें आपका वीज़ा लेने के लिए। ये नहीं है कि आपका 10 साल का गैप है और आपने उस 10 साल में कुछ नहीं किया, यस लैंडमार्क इमिग्रेशन उसमें कुछ नहीं कर पाएगा, बिकॉज लैंडमार्क इमिग्रेशन भी उसी केस पर आपका वीज़ा ले सकता है जहाँ पर आपके गैप जस्टिफिकेशन प्रॉपर आपके पास हो। मतलब अगर तुसी 4-5 साल 6-7 साल या फिर 10 साल भी अगर तुसी जॉब कीते और अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन उस जॉब दी तुहाडे कोल हैगा है, ऑफर लेटर है, अपॉइंटमेंट लेटर है और रिलीविंग लेटर तुहाडे कोल हैगा है, तो तुहाडा केस बिल्कुल जस्टिफाइड है। यहाँ पर मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, मैं लास्ट जानना चाहता हूँ, अगर आपका 15 साल का भी गैप है तब भी आप लैंडमार्क इमिग्रेशन के पास आकर अपना केस स्टडी वीजा के लिए लगवा सकते हैं। जी बिल्कुल, इस तो वड्डी गल और की हो सकती है कि अगर 15 साल बाद भी, मतलब जॉब करने के 15 साल बाद भी अगर तुहानू लगता है कि तुसी कैनेडा जाना है और तुहानू कितना कितना डाउट है कि तुहाडा इन्ना गैप हो गया तुसी नहीं जा सकते, तुसी गलत हो, तुसी लैंडमार्क इमिग्रेशन आओ, तुहानू इत्थे प्रॉपर कंसल्टेंट दित्ती जाएगी और तुहाडी प्रोफाइल देखते हुए डेफिनेटली तुहाडी फाइल अगे लगाई जाएगी। और अगर आप कैनेडा जाण दी गल करिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होंगे कि केड़े प्रोविंस च सानू जाना चाहिए, केड़ा प्रोविंस सूटेबल है। सो एज अ स्टूडेंट करणजीत, तुसी की सजेस्ट कर दो कि स्टूडेंट्स नू केड़ा प्रोविंस चूज करना चाहिए। देखिए ये जो प्रोविंस वाला क्वेश्चन है, ये पीआर पॉइंट्स को अपने साथ देखकर जुड़ता है। सो ये बच्चे की भी बहुत ज़्यादा चॉइस होनी चाहिए कि उसको किस प्रोविंस में जाना है। 6.5 बैंड, नॉट लेस देन 6 बैंड वाला बच्चा है, 7 बैंड वाला बच्चा है, अच्छी परसेंटेज है, वो बच्चा नोवा स्कोशिया चूज कर सकता है, सस्कैचवन चूज कर सकता है, मैनिटोबा चूज कर सकता है, ब्रिटिश कोलंबिया चूज करता है, ओंटेरियो चूज, कोई भी प्रोविंस चूज कर सकता है। बट उस प्रोविंस की पीआर पॉलिसी बच्चे को पता होनी चाहिए, उस प्रोविंस में वेज रेट क्या है, उस प्रोविंस का वेदर कैसा है, हर चीज बच्चे को पता होनी चाहिए। प्रोविंस चूज करना पहली रिक्वायरमेंट बच्चे की होनी चाहिए। कि मेरे पास एक बच्चा आया, वो कहता है कि मुझे अल्बर्टा जाना है। यस, अल्बर्टा जाना तो है, बट क्यों जाना है? क्या आपके रिलेटिव वहां रहते हैं, या आपको वहां के वेदर कंडीशन पता है? आप जो वहां कोर्स करने के लिए जाना चाहते हो, क्या आपको पता है कि वहां पर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल जाएगी? किस लिए आप उस प्रोविंस में जाना चाहते हो, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मेरे पास कई बच्चे आते हैं, जी हमने तो बीएससी मेडिकल कर लिया है, जी हम तो MBA करना चाहते हैं, या हम बिजनेस के प्रोग्राम करना चाहते हैं, पर जिस प्रोविंस में हम जाना चाहते हैं वहां पर ये प्रोग्राम सिर्फ बिजनेस के अवेलेबल है, वहां पर नर्सिंग रिलेटेड प्रोग्राम उस कॉलेज में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मेरे रिलेटिव वहां रहते हैं, वो मुझे कह रहे हैं कि आपने इसी जगह आना है। ये गलती मत कीजिएगा, अगर प्रोविंस सिटी कोई भी चूज करना चाहते हैं, फर्स्टली अपनी पढ़ाई को देखते, अपने कोर्स को देखकर चूज कीजिएगा, अपना जो कोर्स या कोई भी आप प्रोविंस या अपना कोर्स चूज कीजिएगा, अपना कॉलेज चूज कीजिएगा, वो आप अपनी पढ़ाई के फ्यूचर को देखकर, आपके जॉब प्रोस्पेक्ट को देखकर, कहाँ कहाँ आपको जॉब मिल सकती है, NOC लिस्ट पर आप जा सकते हैं अपनी जॉब देखने के लिए कि कहाँ इजीली अवेलेबल है, उसको देखकर चूज कीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर आपने कैनेडा में सेटल होना है, आपने PR लेनी है, उसमें आपको कोई हर्डल मत ना आए, उसमें आप इजिली PR अचीव कर सके। जी बिल्कुल, तो मतलब किसी और दे इन्फ्लुएंस से आके अपना प्रोविंस सेलेक्ट ना करो, अपनी स्टडी देखो, अपना कॉलेज देखो और अगे देखो कि तुहानू कित्थे कित्थे जॉब ऑफर हो सकदे, उस दे अकॉर्डिंग उसी प्रोविंस च तुसी जाके अपना वीजा जड़ा है वो अप्लाई करो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स करण जी जाते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन करन, स्पेशली जाते हैं MBA करन, तो हुण मैं चाहवांगी तुसी ये सुजैसट करो कि MBA करन वास्ते स्टूडेंट्स लई बेस्ट कॉलेज कहड़ा है। देखिए MBA करने के लिए अगर बच्चे के पास 3 साल की डिग्री है विदाउट GMAT है, GMAT भी नहीं है बच्चे के पास, कनाडा में MBA करने के लिए GMAT की रिक्वायरमेंट है, ओवरऑल 6 बैंड भी है, 6.5, नो बैंड लेस देन 6 बैंड है, ओवरऑल 6 बैंड है, नॉट लेस देन 5.5 बैंड, तब भी मेरे पास MBA का ऑप्शन अवेलेबल है। यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट वैंकूवर में आपको MBA करने का मौका देती है विदाउट GMAT, ओवरऑल 6, नॉट लेस देन 5.5 बैंड पे, विद UAP कोर्सेज आप MBA ले सकते हैं, चाहे आपने नॉन मेडिकल किया है, चाहे आपने बिजनेस बैकग्राउंड है, चाहे आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, आप 3 साल की डिग्री के ऊपर भी एडमिशन ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको 4 साल की बैचलर डिग्री चाहिए वहां पर MBA में एडमिशन लेने के लिए। जी बिल्कुल, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन सी कि कितने जाने MBA करने वास्ते, आई गेस बहुत ही अच्छा सजेशन है। बाकी अगर फिर भी थोड़ी कोई क्वेरी है 9413-9412 फोनलाइन हमेशा खुली हुई, तुम कभी भी डायल कर सकते हो, थोड़ी क्वेरी हमेशा एंटरटेन की जाएगी। करण जी थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द शो। सत श्री अकाल जी।